Hello friends, today we'll see chapter number 9th of class 8 science, that is reproduction in animals. हम देखेंगे आज इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है एनिमल्स के अंदर. हमने क्लास 7th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है. आज हमें एनिमल्स के अंदर देखना है किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन. जैसे हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्ट्रिक्शन, ये जो है हमने सारे स्टडी किए थे प्रीवियस चैप्टर में. तो यहाँ भी कुछ प्रोसेस हमें दी है जो इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए किसी भी इंडिविजुअल के. जैसे हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर हमने देखी थी रिप्रोडक्शन इसेंशियल होता है कंटिन्यूएशन के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिस के कंटिन्यूएशन के लिए बहुत जरूरी होता है. इमेजिन कीजिए कि अगर क्या हो अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस ना करें अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग्स को. हम जैसे जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूएशन के लिए, किसी भी काइंड ऑफ इंडिविजुअल के लिए, जनरेशन के लिए, जनरेशन आफ्टर. प्रीवियस क्लासेस में कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है, आज हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है वो देखेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि यंग वंस जो होते हैं एनिमल्स के, यंग वंस जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के वो कैसे होते हैं वो हमने देखे हैं. हम कुछ यंग वंस के नाम आप लिख सकते हैं, टेबल हमें 9.1 दिया है उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं. हम जानते हैं कि यंग वंस जो होते हैं वेरियस एनिमल्स के वो बॉर्न होते हैं, जैसे बॉर्न किए जाते हैं तो वो किस तरह से होते हैं. कुछ हमें चिक के फॉर्म में, कुछ कैटरपिलर्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ किटन्स या पपीज के फॉर्म में होते हैं. हम बोलते हैं किटन्स को बर्थ दिया है या पपीज को दिया है, इस तरह से होते हैं. और यंग वंस जो होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं तो वो किस तरह से दिखते हैं और वो बाद में बड़े होने के बाद किस तरह से दिखते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. जैसे हमें टेबल दिया है 9.1 जिसमें हमें एनिमल्स दिए हैं, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन का जो यंग वन होता है उसे बेबी कहा जाता है. वेल हेन की बात करें तो चिक होता है, डॉग का होगा तो पपी होता है. इस तरह से प्लांट्स दो मोड्स होते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन में भी. पहला होता है असेक्सुअल और सेक्सुअल, दो रिप्रोडक्शन होते हैं. पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. जैसे हमने रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर देखा था कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होना जरूरी होता है, उसी तरह एनिमल्स के अंदर भी हमें मेल और फीमेल के दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जरूरत होती है, ऑर्गन की जरूरत होती है. जैसे प्लांट्स में होता है रिप्रोडक्शन जो होता है पार्ट्स, उसी तरह से रिप्रोडक्शन जो होता है एनिमल्स के अंदर भी होता है, जिसमें गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जायगोट. और ये जो जायगोट होता है ये डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यू इंडिविजुअल. हम जायगोट को ही कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप होती है न्यू इंडिविजुअल की. और ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बिगिनिंग में होता है क्योंकि फ्यूजन होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का, और इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं ह्यूमंस के अंदर, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसी होती है वो देखेंगे. पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करें तो उसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज आती है जिसे सिंगुलर टेस्टीज भी कहा जाता है, सिंगुलर या टेस्टीज कहा जाता है. टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं और पेनिस होता है. टेस्टीज जो है वो प्रोड्यूस होती है मेल गैमेट्स के अंदर जिसे स्पर्म कहा जाता है. टेस्टीज प्रोड्यूस करती हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज के थ्रू. फिगर 9.2 में हमें दिया हुआ है, साइड में ही डायग्राम दी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं स्पर्म का डायग्राम. और ये शो कर रहा है स्पर्म का डायग्राम जैसे हमने देखा है. और स्पर्म्स जो हैं वो बहुत ही वेरी स्मॉल साइज के होते हैं और उस स्पर्म के अंदर हम कह सकते हैं एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है, और ये बिल्कुल एक सिंगल सेल की तरह हमें अपियर होता है. इंडीड हमें यहाँ पर अलग से पूरा एक ये दिया है, स्पर्म इस तरह से होता है, पेनिस दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये ह्यूमंस के अंदर का. ईच स्पर्म जो है वो सिंगल सेल होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, उसके अंदर सारे सेल कंट मौजूद होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट होता है जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, और एक यूटेरस होता है. ओवरी जो है, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूटेरस हमें दिया हुआ है, ओवरी है. ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को जिसे ओवा कहा जाता है या एग्स कह सकते हैं. ह्यूमन बींग के अंदर एक सिंगल मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है ओविडम, और वन ओवरी, वन ऑफ द ओवरी जो है एवरी मंथ उसमें से एक एग जो है वो रिलीज होता है. यूटेरस जो है वो पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस पूरी होती है बेबी के. यूटेरस में बेबी पूरी तरह से डेवलप होता है. लाइक स्पर्म एक भी जो है वो सिंगल सेल होता है. यहाँ पे हमें ह्यूमन ओवम की डायग्राम दी हुई है, उसमें हमें न्यूक्लियस बताया गया है. फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर तरह से हमें दिख रहा है कि स्पर्म है और ओवम के अंदर एग भी है. अगर एग के साथ में कॉन्टैक्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है.
जैसे यहाँ मैं फर्टिलाइजेशन दिया है, हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो होती है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये फ्यूजन की प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए. मैन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग, जब एग के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वन ऑफ द स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है एग के साथ में, और ये फ्यूजन जो होता है एग के साथ में, एग या स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में न्यूक्लियाई जो होती है स्पर्म की या एग की, और एक की न्यूक्लियाई स्पर्म और एक दोनों की फ्यूज होती है और एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट में. फर्टिलाइज एग जिसे हम जायगोट कहते हैं उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्पर्म है और ओवम है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूजन हुआ है दोनों न्यूक्लियाई का तो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है. हम जानते हैं कि जायगोट जो है बिगिनिंग है, हम कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल की. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है इसमें मीटिंग ऑफ एग सेल होता है फ्रॉम मदर, और स्पर्म सेल जो होता है वो फादर का होता है. इसीलिए जो भी न्यू इंडिविजुअल आता है वो इनहेरिट करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मदर की और कुछ फादर की. इसीलिए हम कहते हैं कि ये बच्चा माँ की तरह दिखता है या पिताजी की तरह दिखता है. इस तरह से आप अपने भाई बहनों को भी देख सकते हैं कि उनके कभी फेसेस, किसी की आंखें, किसी के नाक, इस तरह से चीज़ें मैच होती हैं लगता है अपने फादर या मदर से. तो ये हम कैरेक्टर्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं कि हमारे मदर या फादर से मिल रहे हैं या नहीं. फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड फीमेल बॉडी होता है, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑकर होता है बहुत सारे एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स और हेंस. अपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना होगा. इसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज में ये होता है कि वो वुमेन जो अनेबल हैं बेबीज को बियर करने के लिए, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो रीच नहीं हो पाता है उनके एग तक, और इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाती है. तो इस केसेस में डॉक्टर्स जो है वो फ्रेशली रिलीज एग को कलेक्ट करते हैं एंड देन उसे स्पर्म के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं आउट ऑफ द बॉडी. IVF प्रोसेस से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. और इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर हो गया, दोनों के बीच में जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो जायगोट को अलाउ करते हैं थोड़े दिन के लिए कुछ डेवलप होने के लिए फॉर अ वीक, और उसके बाद उस जायगोट को प्लेस कर देते हैं अगेन मदर्स की यूटेरस के अंदर, और उसके बाद उस जायगोट का या उस फीटस का, उस जायगोट का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है मदर की यूटेरस के अंदर. और जैसे नॉर्मल बेबीज होते हैं उसी तरह वो बेबी भी बॉर्न होता है. और बेबीज जो बॉर्न होते हैं इस टेक्निक के थ्रू, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है. अब सरप्राइज होंगे ये सुन के कि मैनी एनिमल्स जो है फर्टिलाइजेशन उनके अंदर आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है. ये एनिमल्स जो है फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर करते हैं. हम देखते हैं किस तरह से हो सकता है. आपको कुछ पॉन्ड्स या किसी स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम को आप विजिट कीजिए ड्यूरिंग स्प्रिंग या रेनी सीजन्स में. आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको क्लस्टर्स दिखेंगे फ्रॉग्स के, एक के फ्लोटिंग हो रहे हैं वाटर के ऊपर. इस तरह से आप कलर और साइज उन एग्स का लिख सकते हैं. हम जान लेंगे स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स या टोड जो है वो मूव करते हैं पॉन्ड की तरफ और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम की तरफ. जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं, कम टुगेदर वाटर के अंदर, तो जो फीमेल होती है, फीमेल ले करती है हंड्रेड्स ऑफ एग्स को वाटर के अंदर, अनलाइक हेंस एग, जैसे हेंस के एग होते हैं इस तरह से. और फ्रॉग्स के एग जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, जैसे हेंस के एग पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, फ्रॉग्स के एग्स कवर्ड नहीं होते हैं शेल के थ्रू, और इसीलिए वो कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं जैसे हम कह सकते हैं. एक लेयर ऑफ जेली जो है वो होल्ड करते हैं वो एग टुगेदर, सारे के सारे एग्स के ऊपर एक लेयर ऑफ जेली डाल दिया जाता है जो, और प्रोवाइड करता है वो प्रोटेक्शन उस एग को. ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. जैसे ही एग्स जो है वो लेड होता है, मेल उनके ऊपर अपना डिपॉजिट करता है स्पर्म को उन एग्स के ऊपर, और जैसे ही कोई स्पर्म, ईच स्पर्म अगर स्विम करता है रैंडमली वाटर के ऊपर, और लॉन्ग टेल होती है जैसे मेल में होती है उसी तरह की लॉन्ग टेल होती है स्पर्म के अंदर, इस एनिमल्स के भी. इसमें स्पर्म जो है वो कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग्स, वो कम आता है एग्स के कॉन्टैक्ट में, और इसी के कारण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने लगती है. और दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है उसमें फ्यूजन मेल और फीमेल गमेट का होता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल के, और इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. ये बहुत ही कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल में, जैसे फिश या स्टार फिश की बात करें तो.
यहाँ पे हमें दिया है कि दो ये एनिमल्स जो है ये 100 ऑफ एग्स जो है वो रिलीज करते हैं, 100 ऑफ एग्स जो करते हैं रिलीज करते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म को, ऑल द एग्स और पूरे के पूरे एग्स जो है वो फर्टिलाइज या डेवलप नहीं होते न्यू इंडिविजुअल में, और ये इसलिए क्योंकि जो एग है वो स्पर्म के साथ में एक्सपोज होते हैं वाटर मूवमेंट, और इसी के कारण एक्सपोज नहीं हो पाते क्योंकि वाटर की मूवमेंट होती है, विंड की मूवमेंट होती है, रेनफॉल होता है, इसके कारण वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, और इसीलिए सारे के सारे एग्स जो है हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज नहीं हो पाते, फ्यू ऑफ देम जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरह होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट को, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, और उसके कारण डेवलपमेंट होता है उसका, हमारे बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर होता है। जायगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली और राइज करता है एक बॉल ऑफ सेल को, और ये जो सेल है देन बिगेन होता है फॉर्म बनने के लिए, ग्रुप बनने के लिए फॉर्म होता है एंड डेवलप करता है डिफरेंट टिश्यूज को और ऑर्गन्स को उस बॉडी के अंदर, बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करना शुरू करता है, और ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर जो होता है इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड होता है एक वॉल के थ्रू यूटेरस पे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट को इन यूटेरस, यूटेरस में ही सारे डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें यूटेरस बताया हुआ है, ओवरी है, एम्बेडिंग एम्ब्रियो है, ओवुलेशन है, जायगोट है। वेल बी डायग्राम में हमें जो जायगोट है वो लार्ज होने लगा है, बड़ा होने लगा है वो बताया है। वेल थर्ड में हमें दिया है डेवलपिंग एम्ब्रियो किस तरह डेवलप हो रहा है, यूटेरस वॉल जो दी हुई है हमें, ये चीजें दी हुई हैं। बॉडी पार्ट्स कुछ जो होते हैं धीरे धीरे बनने लगते हैं हमारे उस बेबी के, या कह सकते हैं जायगोट के, जैसे हम हैंड्स, लेग्स, हेड्स, ईयर्स, आईज, ये सारी चीजें धीरे धीरे बनने लगती हैं, और वो जो स्टेज होती है जहाँ पर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की वो जो स्टेज जहाँ पर ऑल बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं या आइडेंटिफाई होने लगते हैं, उसे हम फीटस कहने लगते हैं, या अब हम कह सकते हैं कि वो जायगोट नहीं रहा, अब वो फीटस हो चुका है। और जब भी डेवलपमेंट होता है इस फीटस का कंप्लीट, तब मदर गिव करती है बर्थ को उस बेबी के, और उसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है। फिटस इन द यूटेरस हमें दिखाया गया है डायग्राम में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है टेक्स प्लेस होता है हेंस के अंदर भी, बट हेंस जो है वो बर्थ नहीं देती बेबीज को लाइक ह्यूमन बींग्स या काउ देती हैं, और ये इसलिए क्योंकि उनके अंदर चिकन्स का बॉर्न होता है, चिकन्स को बर्थ देती हैं वो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जायगोट है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली और ट्रैवल डाउन करता है थ्रू ओविडक्ट, और जैसे ही ये ट्रैवल डाउन करता है मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं हेंस के अंदर के, जो उसके एग है उसके ऊपर, वो फॉर्म होने लगती है आसपास उसके, और इसीलिए हार्ड शेल जो है वो उसके आसपास बन जाता है, हेंस के एग के पास बन जाता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और ये आफ्टर मतलब ये हार्ड शेल जो है फॉर्म हो जाती है पूरी तरह से, जब पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, तो हैन फाइनली ले करती है एग्स को। एम्ब्रियो जो है वो 3 वीक लेता है टू डेवलप इनटू अ चिक, उस एम्ब्रियो के अंदर से चिक को फॉर्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए 3 वीक्स लगते हैं। हमने ये देखा होगा, आपने देखा होगा कि हैंस जो है वो एग के ऊपर बैठती है जब भी एग्स वो ले करती है उसके बाद में, बिकॉज उसके कारण जो है चिक जो है वो इजीली उसको वार्मथ देने के लिए, सफिशियंट वार्मनेस देने के लिए एग के ऊपर बैठती है, और डेवलपमेंट जो होता है चिक का वो इनसाइड द एग होता है, एग शेल के अंदर होता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड उस टाइम में जितने टाइम में वहाँ वहीं एक के अंदर ही ग्रोथ होता है चिकन का। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब पूरी तरह से उसके अंदर का जो बेबी है पूरी तरह से जब चिक डेवलप हो चुका है तो वो बर्स्ट हो जाता है एग सेल। एनिमल्स के अंदर जो अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और एम्ब्रियो कंटिन्यू करता है ग्रो एक कवरिंग के साथ में। आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप एक जो है वो हैच हो जाता है, और जैसे हमने देखा है न्यूमरस टेडपोल्स की बात करें, स्विमिंग इन पॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि वो वहीं के वहीं डेवलप होने लगते हैं। वीविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को, वाइल कुछ एनिमल्स ले करते हैं एग्स को, तो जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को उन्हें वीविपोरस एनिमल्स कहा जाता है, वाइल जो एनिमल्स ले करते हैं एग्स को उन्हें ओविपोरस कहा जाता है। फॉलोइंग एक्टिविटी हमें बताई गई है ये जानने के लिए, हमें कुछ एग्स को कलेक्ट करना है ऑर्गेनिजम्स के, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई या मोर, हैन या क्रो के, और हमें कलेक्ट करना है कुछ एग्स को उनमें से, एंड देन हमें उसके ऊपर प्रोसेस करनी है
एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट, कुछ एग्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, बट क्योंकि मदर ले करती हैं एग्स को, इसलिए आपको इजीली वो बेबीज जो हैं एग्स के अंदर से निकले हुए एग्स आपको इजीली मिल जाएंगे. बट कुछ एनिमल्स जो एग्स ले नहीं करती, उनके आपको बेबीज लाना, या फिर कह सकते हैं फीट बेबी को लाना, वो आपके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा. आप इजीली डॉग, काउ या कैट के एग्स को नहीं ला सकते, क्योंकि ये एग्स नहीं ले करते हैं, ये डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को. और यही बेबीपोरस एग्जाम्पल है, बेबीपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल है. यंग वंस टू एडल्ट किस तरह से होता है? न्यू इंडिविजुअल जो है, जो बॉर्न होते हैं और हैच होते हैं एग्स के थ्रू, कंटिन्यू होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते. कुछ केसेस में, कुछ एनिमल्स के केस में हम देखें तो यंग वंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं एज कंपेयर टू देयर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्ड में जब वो रहते हैं या यंग जब रहते हैं उसके कंपैरिजन में आप एडल्ट में देखेंगे तो टोटली डिफरेंट दिखते हैं. जैसे सिल्क वॉर्म की बात ले लें, सिल्क वॉर्म में सबसे पहले एग होता है, एग से लार्वा निकलता है, उसके बाद कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट बनता है, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था. फ्रॉग जो है भी एक एग्जाम्पल है इसी चीज का. ऑब्जर्व कर सकते हैं हम डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉग की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एग एडल्ट स्टेज तक बहुत सारे डिफरेंट आपको फेसेस देखने को मिलेंगे फ्रॉग के. सबसे पहले एग होता है, देन टेडपोल जिसे हम लार्वा कहते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट. तो टेडपोल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं एडल्ट से. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि टेडपोल जो है ये बाद में फ्रॉग बन जाएंगे. सिमिलरली कैटरपिलर की बात करें या प्यूपा की बात करें सिल्क वॉर्म के, तो वो भी बहुत डिफरेंट दिखते हैं उनके एडल्ट मोड्स के साथ में. यहाँ पे हमें डायग्राम दी है फ्रॉग की, सबसे पहले एग दिया है, एग से अर्ली टेडपोल होता है, देन लेट टेडपोल, एंड देन विल गेट फाइनली द एडल्ट फ्रॉग. लाइफ साइकिल है यहाँ पे फ्रॉग की दी हुई हमें. कुछ फीचर्स जैसे प्रेजेंट जो होते हैं एडल्ट में, वो आपको यंग वंस में देखने को नहीं मिलेंगे. और ये ऐसा क्यों होता है? टेडपोल्स और कैटरपिलर्स के साथ भी यही होता है. जैसे हम देखते हैं ब्यूटीफुल मोथ जो है वो इमर्जिंग होता है कोकून के थ्रू, और इस केस में टेडपोल्स जो है वो भी ट्रांसफॉर्म होते हैं एडल्ट के अंदर, कैपेबल हो जाए जंपिंग और स्विमिंग के लिए. तब तक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लार्वा का इंटू एडल्ट थ्रू डास्टिक चेंज होता है, और इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. इसीलिए बिल्कुल जो हमें टेडपोल दिखा है या एग दिखा है, टेडपोल या लार्वा जो है उससे एडल्ट बिल्कुल अलग दिखता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. और ये चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं हमारी बॉडी में. ये चीजों को हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो हमें इतने चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलता. ह्यूमन बींग में बॉडी पार्ट जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जो हमारे एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं वही हमारे बर्थ के समय भी होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी तक हमने जो रिप्रोडक्शन पढ़ा वो फैमिलियर एनिमल्स के पढ़े. अब अगर हम बात करें तो वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें अमीबा की, तो वो देखेंगे हम किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे यहाँ पे देखा आपने कि परमानेंट स्लाइड ले लीजिए आप हाइड्रा की, ऑब्जर्व कीजिए उसे हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप के अंदर. अब आप बल्जेस को ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए काउंट नंबर ऑफ बल्जेस कितने आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट स्लाइड्स में, और साइज ऑफ बल्जेस भी आपको देखने को मिलेगा. ईच हाइड्रा में देखें तो वन और मोर बल्जेस होते हैं, और ये बल्जेस जो है डेवलपिंग होते हैं न्यू इंडिविजुअल को, और उन्हें बर्ड्स कहा जाता है. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, हमको यीस्ट में भी पता है किस तरह से वो डेवलप होते हैं. हाइड्रा के अंदर भी न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, आउटग्रोथ होती है सिंगल पेरेंट के थ्रू. और ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द बर्ड्स हाइड्रा के अंदर, और ये टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसे इसे बडिंग कहा जाता है. अनदर मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा में. हम देखते हैं किस तरह से होता है अमीबा के अंदर. जैसे हम ऑलरेडी जानते थे, हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा जो है वो कैसा होता है. हम रिकॉल कर सकते हैं अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये बिगिन होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू. वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस करता है, मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड करता है टू में, और ये फॉलोड होता है डिवीजन का प्रोसेस ऑल ओवर द बॉडी. मतलब एक से दो, दो से चार, इस तरह का डिवीजन होता है, और ईच पार्ट जो है वो रिसीव करता है न्यूक्लियस को. फाइनली टू अमीबाज आर प्रोड्यूस, और इस तरह से दो अमीबाज प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट अमीबा से. तो दिस टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसे असेक्सुअल कहा जाता है. जैसे यहाँ दिया सिंगल न्यूक्लियस था, देन डिवाइड हुआ न्यूक्लियस, देन वो टोटली अलग हो गई दो बॉडीज, और दो डॉटर अमीबास हमें मिल गए. रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग के थ्रू, उन्हें बाइनरी फिशन कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम बडिंग और बाइनरी फिशन, और भी अदर मेथड्स हैं जिसके थ्रू सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को, और ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में.
इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।